और यूक्रेन से हिंदुस्तान लौटे छात्रों के लिए यूपी सरकार ने तमाम इंतजाम किए हैं। यूपी भवन में ये इंतजाम किए गए हैं ताकि उनको अपने घरों तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। और वहीं यूक्रेन से आए छात्रों से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने, सुनिए। इनमें मैम वेस्टर्न साइड तो हम सेफ सिटी में थे, बट जो बच्चे कीव एंड खारकीव साइड हैं वो वहाँ पे फंस गए हैं। हम सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहेंगे जो कीव में फंसे हुए बच्चे उन्हें निकालें वहाँ से जल्द। देखिए हालात तब तक ठीक थे 24 के पहले, उसके बाद हालात बहुत ख़राब हो गए। सिचुएशन डे बाई डे बहुत गंदी होती जा रही है, तो वहाँ से जितनी जल्दी हो सके, जैसे खारकीव, सूमी और कीव है, यहाँ पे बहुत सिचुएशन ख़राब है, तो वहाँ से निकालने की ज़्यादा से ज़्यादा वो करें। मैं हमारे फ्रेंड सर्कल के बहुत सारे लोग हैं, कल क्रिटिकल कंडीशन बहुत इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी कि जिससे बच्चों को निकलना भारी पड़ रहा है। एक बच्चे की जिसकी कल डेथ हुई है, वो अपने शेल्टर हाउस से खाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए गया था, फिर अचानक से बॉम्बार्डिंग हुआ और वहाँ उसकी डेथ हो गई। बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब कि ऑफिशियली अभी एक ही हुआ है, मे भी बहुत सारे बच्चों के कॉन्टैक्ट भी नहीं लग पा रहे हैं। मैम अब हम यही रिक्वेस्ट करेंगे अपनी गवर्नमेंट से कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से बच्चों को निकाला जाए। बहुत ज़्यादा परेशानी हमें झेलनी पड़ी क्योंकि बाहर भी नहीं जा सकते थे और हमेशा हर 5 मिनट पे बम गिर रहे थे वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हमें। फिर ट्रेन से हम किसी तरह अपने जहाँ मतलब जो बॉर्डर के पास थी जगह जहाँ पे हमें ले जाया गया, उसके बाद हमें वहाँ से आने में लगभग 28 घंटे हमें लगे। दूसरी हंगरी कंट्री है वहाँ पर हमें ले जाया गया जहाँ से हम यहाँ आए, तो दिक्कतों की सामना तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। फिर भी मतलब अपने गवर्नमेंट, हम श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ निकाला। सरकार से यही अपील करना चाहूँगा, जैसे कि अभी फ्लाइटें कम जा रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अभी एयरपोर्ट पे बच्चे खड़े हैं, कई कई फ्लाइट अगर चली 3-4 फ्लाइटें भी जाएंगी तो फुल हो जाएंगी वो अभी भी, लेकिन फ़्लाइटें कम होने की वजह से बच्चे एयरपोर्ट पर वेट कर रहे हैं बेचारे भूखे प्यासे, मतलब कुछ 2-3 दिन से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, जो सामान लेकर चले थे चिप्स वगैरह वो खा पी के गुजारा कर रहे हैं अपना। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे या फिर एयरफोर्स वगैरह को भेज कर उनको जैसे भी करके निकाले जल्दी से जल्द। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।